Okay, so I had to fix the camera. So let's start our class. So our class is all about series combination as well as parallel combination. तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के हम कुछ ट्रिक्स को समझ लेते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है. बिकॉज ये इसका पैटर्न इस तरह का है कि अगर आपने उस पैटर्न को अच्छे से माइंड में स्टोर किया तो आपके लिए कैसा भी न्यूमेरिकल हो 101% आप उसको सॉल्व कर पाएंगे. प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज देर आर सो मैनी ट्रिक्स आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. ऑल राइट, सो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि वन वे कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन मीन्स मल्टी वे कॉम्बिनेशन. इट मीन्स व्हेनेवर द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड वन बाय वन एज शोन इन फिगर दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन. क्लियरली यू कैन सी ऑल दिस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड वन बाय वन एंड I was saying that this is a single way, एक ही रास्ता है. There are no other way for the flow of current, whatever the current is being supplied by this battery. इस बैटरी से जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो दूसरे रास्ते पर नहीं जा सकता. It has only a single way. So these kind of combination is called series combination. But at the same time, when you focus on the parallel combination, you will realize that there are multi-way, बहुत सारे रास्ते हैं. अगर इस बैटरी के प्लस से कोई भी करंट फ्लो हुआ, सपोज हम यहाँ से कोई करंट सपोज कर लेते हैं I, तो ये I यहाँ पर आकर के स्टॉप हुआ. दिस इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. सम पार्ट ऑफ द करंट विल फ्लो थ्रू दिस कैपेसिटर, सम पार्ट विल फ्लो थ्रू दिस कैपेसिटर, सम पार्ट ऑफ द करंट विल फ्लो थ्रू दिस कैपेसिटर्स एंड लेटर ऑल दिस करंट विल बी एडेड टू दिस पॉइंट एंड देन बिकम सेम, दैट इज I. सो सीरीज कॉम्बिनेशन का फर्स्ट पॉइंट जो हमें नोट करना चाहिए वो है सिंगल वे और ये होता है मल्टी वे, मल्टी पाथ, सिंगल पाथ. सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी करंट यहाँ पे जाएगा वो करंट हमेशा इक्वल होगा, करंट इक्वल. बट डियर स्टूडेंट, यहाँ पे करंट को हम ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, ज़्यादा इसको हम लोग मेंशन नहीं करेंगे. उसका रीज़न है इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटर, सो द कैपेसिटर इज़ अ टाइप ऑफ डिवाइस दैट कैन स्टोर द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैपेसिटर दैट यू आर टेकिंग चार्ज, नॉट करेंट. राइट नाउ वी विल डिस्कस ऑन चार्ज, बट If current is equal, then 100% charges will be equal on all the capacitors when they are connected in series. I repeat my sentence because अगर आप ये sentence mind में नहीं store करोगे तो आपको topic समझ में नहीं आएगा. Series combination का diagram देखिए, one way है, ये multi way है. दूसरा, इसमें करंट क्या है, इक्वल है. व्हेन द करंट इक्वल 100% द चार्ज विल बी इक्वल, यानी सभी कैपेसिटर को चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट डिवाइड हो चुका था, इसमें से करंट I1 जा रहा है, इसमें से करंट I2 है, इसमें से करंट I3 है. बिकॉज डिफरेंट पाथ्स हैं, डिफरेंट रास्ते हैं, डिफरेंट वेज हैं, इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा. Understood? First point, series combination, that is single way, multi way. The second point, charge equal, charge different. Now, the third and very important point, in the case of series combination, if you are using the battery of V voltage for these type of combination of the capacitor, then for every capacitor, the voltage used by that capacitor will be different. वोल्टेज विल बी डिफरेंट. ऐसा क्यों हुआ वोल्टेज डिफरेंट है? बिकॉज इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन देर इज वन वे. वन वे मीन्स आप देख सकते हैं कि इस कैपेसिटर को इस बैटरी का प्लस मिल जा रहा है इजिली, बैटरी का माइनस इसे मिल रहा है. बट अगर हम बहुत ध्यान से समझें, ये ईजिएस्ट वे है समझने का सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो इस कैपेसिटर को ईजिली ये बैटरी का प्लस माइनस यहाँ पर नहीं मिल रहा.
तो हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज हमेशा क्या होगा, डिफरेंट रहने वाला है. इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन बट द करेंट इज इक्वल, दैट्स वाई द चार्ज विल बी इक्वल. चलो उसके बाद अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की. महेंद्र सिंह धोनी माही, नहीं माही की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे, कल मैच ही हार गए बताइए. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 C2 एज वेल एज C3, सो चार्ज डिफरेंट है और यहाँ पे वोल्टेज सेम कर दो यार. क्यों? इजी है, दिख रहा है क्लियरली. ये बैटरी का प्लस यहाँ पर आया, ये प्लस इसको मिला, ये प्लस यहाँ पे है इधर भी जा रहा है, यही प्लस यहाँ पे भी है, ये माइनस इस कैपेसिटर को, इस कैपेसिटर को, इस कैपेसिटर को इजीली मिल रहा है. दैट्स व्हाई वी विल से कि इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ऑल द कंपोनेंट्स आर ऑलवेज इक्वल. आई रिपीट, सीरीज कॉम्बिनेशन एक ही रास्ता होता है, चार्ज सेम होते हैं, वोल्टेज डिफरेंट होता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन देर आर मल्टी वे, अलग अलग रास्ते होते हैं करंट को फ्लो करने के लिए, है ना. फिर उसके चार्जेस डिफरेंट होते हैं बिकॉज करंट डिफरेंट है. और थर्ड पॉइंट क्या है, तो उसका वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है. शायद यही तो रीज़न है कि हमारे घरों के अंदर जो भी ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, ऑल दिस कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. बिकॉज पैरेलल में अगर ये फ्यूज हो गया तो ये दोनों चालू रहते हैं, बट सीरीज में अगर एक भी कट ऑफ हुआ तो सारे के सारे कंपोनेंट बंद हो जाएंगे बिकॉज वहाँ पे मल्टी वे नहीं है. तो ये रहा हमारा टारगेट जिसे आपको अपने माइंड में स्टक करके रखना है. अब फॉर्मूले की बात करते हैं. जरा सोचो डियर स्टूडेंट, इफ यू आर गिविंग 100 वोल्टेज फॉर दिस कॉम्बिनेशन, इसे मिला 10 वोल्टेज, इसे मिला 20, तो 100% ये वाला बच्चा खाएगा 70. क्यों? बिकॉज टोटल 100 वोल्टेज दे रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट तो होगा बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हुए एनर्जी लॉस नहीं होने वाली है. सो द टोटल वोल्टेज आई कैन राइट, टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. नाउ वी नो दैट Q इज इक्वल टू वॉट, CV. लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था चार्ज कैपेसिटेंस वोल्टेज. सो V इज इक्वल टू वॉट, क्यू बाई सी. आई एम गोइंग टू यूज दिस वोल्टेज ओवर हियर. सो वी हैव वोल्टेज Q अपॉन सी, दैट इज क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्यू बाई C1 प्लस क्यू बाई C2 प्लस क्यू बाई C3. ऑल दिस चार्जेस आर गोइंग टू बी कैंसल आउट. फाइनल आंसर इज 1 upon C1 plus 1 upon C2 and so on. So this is called the equivalent capacitance for these type of combination of capacitors. Dear student, when there is only two capacitors connected in series, for the easy calculation directly you can remember M upon A. You love your mom? है ना, हम सभी अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं, तो अपनी माता श्री से, अम्मी जान से. रमज़ान का महीना है, बहुत ही पाक महीना है, इसलिए सभी के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, पता ही नहीं चल रहा. मेरे कहने का मतलब है कि when in the numerical, if you have two capacitors only, so for the two capacitors, use this equation directly to get your final answer. आप LCM लो, ये करो वो करो, तो directly आप M upon A use कर सकते हो, where M means multiplication. So C1 into C2 upon C1 plus C2. But don't forget, this is applicable only for two combination. अगर दो से ज़्यादा है तो आपके पास traditional method है, you can use this equation. So ये था हमारा series combination. Let's see the next, that is parallel combination. And in the parallel combination, you can see whatever the charge supplied by this battery, the charge is different. So for this capacitor, the charge is Q1. If this is Q2, this is Q3. So I can write the total charge Q1 plus Q2 plus Q3. Now Q is equal to what? CV. So for this Q1, I have to write C1V. इसके लिए हम लिखेंगे C2V and for this it is C3V. Now we can see voltage is going to cancel out. So the final answer C is equal to C1 plus C2 plus C3. For this you can use the shortcut, that is DP direct plus. It is not your profile picture dear. Shortcut है
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है तो आप यूज करो डीपी दैट इज डायरेक्ट प्लस. एंड इफ देयर इज सीरीज कॉम्बिनेशन ओनली टू कैपेसिटर्स आर देयर यूज मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन. मोर देन टू कैपेसिटर्स देयर आर ट्रेडिशनल मैथड दैट इज 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. टेक अ स्क्रीन शॉट, इट विल हेल्प यू अलॉट टू राइट इट्स थियरी. देन विल सी द NCERT numericals. मैं आपको आपके एक्सरसाइज का एक एडिशनल में भी है वो न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एज वेल एज हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. टेक अ स्क्रीनशॉट. ऑल राइट, तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, बेसिक एग्जांपल्स. फिर इसके बाद मैं NCERT के आपको न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि पहले आप बेसिक सीख लेंगे तो फिर आपको टफ पे जाने पे बहुत ही आसानी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईजिएस्ट सर्किट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फर्स्ट और सेकेंड में. क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड आउट करना है नेट कैपेसिटेंस एज वेल एज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. यानी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इस कॉम्बिनेशन का ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन का क्या होगा, फिर सभी कैपेसिटर्स के इंडिविजुअल चार्जेस क्या होंगे. बहुत ध्यान से प्लीज़ आप इसको देखना. इसे देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. एंड इन केस इफ़ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. फेसबुक और इंस्टा पे मैंने आईडी दी है. किसी भी तरह का क्वेश्चन का फोटो आप क्लिक करो, मुझे इंस्टा पे आप सेंड कर दो, आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, तो चलिए अब हम पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं. देखो, सबसे पहले सर्किट को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए. ऑब्जर्व द सर्किट क्लियरली वी कैन सी कि ये दोनों कैपेसिटर्स C2 और C3 पैरेलल में हैं, बिकॉज पैरेलल में मल्टी वे होना चाहिए. जो भी इस बैटरी के यहाँ से, देखो यहाँ के बैटरी के प्लस से जो भी करंट आता है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये वाला पैटर्न और ये वाले पैटर्न को आप ऐसे कंप्रेस करके सिंगल कैपेसिटर बना सकते हो. फिर ये दोनों यहाँ पे करंट ऐड होंगे और फिर वापस बैटरी के माइनस में आ जाएंगे. सो वी कैन से दिस टू कैपेसिटर्स इज इन पैरेलल. और पैरेलल में मैंने आपको शॉर्टकट दिया है, दैट इज डीपी. डीपी का मतलब होता है डायरेक्ट प्लस. तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 माइक्रोफेराडे. अच्छा, अब इनका हम कॉम्बिनेशन C2 C3 को रिप्रेजेंट करते हैं C-. आप XYZ कुछ भी यूज कर सकते हो. आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस टू कैपेसिटर्स, अगेन रीड्रॉ द सर्किट. रीड्रॉ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, मिस्टेक पूरा का पूरा कम हो जाता है. चांसेस एरर के बहुत ही रिड्यूस हो जाएंगे अगर आप हर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के कैपेसिटर को सॉल्व करते हो रीड्रॉ करके. ऑल राइट, सो डोंट फॉरगेट, आपको एक बार पैटर्न पता चल जाए कि वो सीरीज या पैरेलल है तो सर्किट को रीड्रॉ कर लो. ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बट एरर के चांसेस पूरी तरह से रिड्यूस हो जाते हैं. तो देखिए हम यहाँ पे रीड्रॉ कैसे करते हैं. ये था C1 और फिर इन दोनों का रिजल्ट हो गया C-, फिर है C4, उसके बाद यहाँ पे नीचे है हमारे पास बैटरी हैविंग वैल्यू 100 वोल्टेज. अब कितना आसान हो गया है ये. अब आप कह सकते हैं कि इस बैटरी के प्लस से जो भी करंट गया वो यहाँ से सेम जा रहा है. तो ये सिंगल वे है या मल्टी वे है? यस, इट इज़ मल्टी वे. एंड इफ इट इज़ मल्टी वे, 100% इट इज़ सेड टू बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन. एंड सॉरी, इट इज़ नॉट अ पैरेलल कॉम्बिनेशन बट इट इज़ सीरीज कॉम्बिनेशन. कैन यू यूज मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन मा मैथड? नो, बिकॉज इट इज़ मोर देन टू कैपेसिटर. तो हम यहाँ पे ट्रेडिशनल फॉलो कर लेंगे. लास्ट वाले को इक्विवेलेंट लिखना है, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1, 1/C- प्लस लास्ट वी हैव 1/C4. अच्छा, C1 की वैल्यू क्या है? C1 है 1, C-, 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 C-,
तो ये वन बाई वन, ये वन बाई वन, ये हो गया टू प्लस वन अपॉन फोर, फोर इंटू टू एट प्लस वन नाइन बाई फोर। बहुत सारे लोग यहाँ पे करके ही ऐसे रुक जाते हैं, सभी नहीं करते, बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका कोई नहीं होता, उनका मैं होता हूँ। अपने आप को कभी भी वीक नहीं समझना, सीखना होता है सिर्फ। सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर रहे हो आप,
take a reciprocal. So 4 by 9 microfarad. All right. तो ये आपका जो आंसर है दैट इज सी इक्विवेलेंट. सी इक्विवेलेंट का मतलब हुआ इसका पूरा ओवरऑल रिजल्ट. अब पूरा ओवरऑल कैपेसिटर्स आ जाने के बाद, नेट कैपेसिटेंस आ जाने के बाद, हमें और क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था कि सभी कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा. तो देखिए चार्ज फाइंड आउट करने का रियल मेथड क्या है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यू शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई चार्ज. हाउ टू गेट अ वैल्यू ऑफ सप्लाई चार्ज? सो आंसर इज बाय यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला ऑफ क्यू सी एंड वी. क्यू इज इक्वल टू सी वी. जैसे ही आपका सी इक्विवेलेंट निकलेगा तो आप हमेशा सप्लाई चार्ज फाइंड करना ना भूलें. सप्लाई चार्ज के लिए आप लगाएंगे क्यू इज इक्वल टू सी वी. अच्छा सी इक्विवेलेंट है हमारे पास 4/9 और वोल्टेज कितना है 100. आंसर आया 400/9. यूनिट को लेके चलेंगे माइक्रो कूलम. ये सप्लाई चार्ज आ गया. सप्लाई चार्ज का मतलब होता है नेट चार्ज जो इस बैटरी से ऑफर हो रहा है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो चार्ज क्या होता है? डिफरेंट, है ना. और सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो चार्ज क्या होता है? ऑलवेज आइडेंटिकल. इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं. अब देखिए ये जो सप्लाई चार्ज आया 400/9, ये सप्लाई चार्ज, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ये सप्लाई चार्ज इस कैपेसिटर का है, लास्ट वाले का. और ये लास्ट कैपेसिटर आया कैसे? ये लास्ट कैपेसिटर आया है तीनों कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से. ऑलवेज आप लास्ट रीड्रॉ किए हुए सर्किट से चलेंगे ना तो चार्ज आपके लिए इजी हो जाएगा. आई रिपीट, दो तीन और एग्जांपल्स आपको मिलेंगे. ये जो सप्लाई चार्ज है वो इस कैपेसिटर का है और ये कैपेसिटर आया है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से. और ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन. एंड वी वेरी वेल नो अबाउट दिस कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है. यस, चार्ज सेम होता है. इसका मतलब ये हुआ कि जो C1 है उसका चार्ज Q1, जो C4 है उसका चार्ज है Q4, इन दोनों का चार्ज, और लास्ट में ये हमारा Q-. इनफैक्ट इन तीनों का चार्ज सेम होगा और वो चार्ज इसके बराबर है 400/9 माइक्रोकूलम, 400/9 अगेन, एंड हियर वी हैव 400/9 माइक्रोकूलम अगेन. अब ये तो हमारे आंसर हो गए, बट डैश को ऑलवेज आपको तोड़ना होगा बिकॉज इन दिस क्वेश्चन देर आर टोटल 4 कैपेसिटर्स, तो 4 इंडिविजुअल चार्ज होने चाहिए. अभी मैंने कितने चार्ज निकाले? Q1, Q4 और Q-. अब फिर से सोचिए, थिंक अबाउट इट, ये जो Q-, है ये किस कैपेसिटर का है? C-, का. C-, ये रहा, और ये C-, आया कैसे? सोचो. तो ये C-, आ रहा है इन दोनों कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन से. एंड डियर आई टेल यू, पैरेलल में क्या सेम नहीं होता? चार्ज सेम नहीं होता है, है ना. अगर चार्ज यही सीरीज होता तो यही जो आंसर है आपका इन दोनों पे चला जाता. बट फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, दिस Q-, इज द चार्ज ऑफ C-, एंड C-, इज द कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल में कभी भी चार्ज सेम नहीं होता. तो क्या सेम होता है? वोल्टेज. तो अब आप इसके सामने ही इसका वोल्टेज फाइंड आउट कर लें. जितनी भी पैरेलल में लाइन होगी उस पर ऐसे लाइन खींचना है आपको और इसे कह देना है लाइन वोल्टेज. देखो ये मेथड इस तरह का आपको कहीं पे भी किसी भी टेक्स्ट बुक पे नहीं रहता है, लाइन खींचना ये करना है. बट ये ट्रिक ऐसे है ना कि इस ट्रिक को यूज़ करके आप बहुत सारे मल्टी क्वेश्चंस, मैं आपको बोल रहा हूँ कैसे भी क्वेश्चन हो सीरीज पैरेलल के, आप 100% सॉल्व कर सकते हो. सिर्फ केयरफुली ऑब्जर्व करना कि मैं कर कैसे रहा हूँ. पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा, मैंने लाइन खींच दिया. नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वोल्टेज विच इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज. तो इसी के ठीक सामने V-, का फॉर्मूला यूज करो. सिंपल है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी. यहाँ पे Q-, लिखना, और यहाँ पे आपको लिख देना है V-, इज इक्वल टू Q-, अपॉन यस C-. देखिए सिस्टम, देखिए Q-, अपॉन C-, कर दूंगा तो V-, मिल जाएगा. Q-, की वैल्यू है 400/9 और वोल्टेज C-, C-डैश की वैल्यू थी 4. तो ये कितना हो गया? 100/9 वोल्टेज. यहाँ लिखना है 100/9
यानी अब मुझे इस लाइन का वोल्टेज मिल गया, इस लाइन का वोल्टेज मिल गया, तो ईजिली हम इसका चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ C2 लिखा है तो मुझे लिखना चाहिए Q2। एंड वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ Q? Q इज इक्वल टू सी वी। तो इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराडे और इसका वोल्टेज सी वी के हिसाब से है 100/9, तो ये आया 200/9 माइक्रो कूलम। और अगर हम बात करें C3 की तो इसका चार्ज है Q3, C3 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, सीधा वोल्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई ही करना हर बार, देखना मैं यही करूँगा एवरी टाइम, आई विल डू द सेम थिंग। तो 100/9 इज कॉल्ड योर वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस इज 2, तो ये आया 200/9। दोनों सेम इसलिए आ रहे हैं बिकॉज दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, वोल्टेज भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये था सॉल्यूशन, वो वाला सॉल्यूशन नहीं जो आप YouTube पे सुनते रहते हो, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है YouTube पे आजकल। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। मैं अब एक और एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यूमेरिकल, इनफैक्ट 3 न्यूमेरिकल और आप देखेंगे। प्लीज़ बने रहना वीडियो के साथ, छोड़ना नहीं है, क्योंकि वीडियो को अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। फिर आप सर्च करते रहोगे सीरीज़ पैरेलल डिफरेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो एक आप देखो और अच्छे से देखो। देखो शुरुआत मैंने कैसे किया, हाउ आई हैव स्टार्टेड माई टॉपिक, सॉरी हाउ आई हैव स्टार्टेड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई ऑब्जर्व द सर्किट, देन आई रीड्रॉ द सर्किट, पैरेलल कॉम्बिनेशन, आई यूज द फॉर्मूला डीपी, 2+2 दैट इज 4, एंड द नेट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी डैश। नाउ ऑल दिस कैपेसिटर्स आर इन सीरीज एंड मोर देन 3 कैपेसिटर्स, है ना? महेंद्र सिंह धोनी देख रहे हो? नहीं, महेंद्र सिंह धोनी, अच्छा कल का मैच हार गया, क्या बोले जा रहा हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। चलो देखो यहाँ पे, ओके, C1 C- एंड C4, जो भी बोल रहा हूँ प्लीज़ उसे भूल जाना, नहीं नहीं कैपेसिटर वाले टॉपिक को नहीं भूलना है, महेंद्र सिंह धोनी माही ये सब भूल जाना है। C1, C- एंड C4 सीरीज में है, मोर देन 3 कैपेसिटर्स हैं, तो हम वो मम्मी वाला अम्मी जान वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। अम्मी जान वाला फार्मूला सिर्फ 2 कैपेसिटर के लिए है, माँ मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। बट ये देखो मोर देन 3 कैपेसिटर है, तो मैंने ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करके सी इक्वलेंट निकाल लिया, यहाँ तक आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। बट आधे से कहाँ पेट भरता है भाई, पूरा मेथड पूरा मार्क्स लाना होता है। अब हर बार मैं यही कहूँगा आपसे कि जब सी इक्वलेंट निकल जाए तो सप्लाई चार्ज निकालिए क्यू बराबर सी वी से, आया 400/9। फिर इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट, कि ये जो सप्लाई चार्ज है वो किसका है भाई, तो इक्विवेलेंट का है। ये कैसे आया भाई? सीरीज कॉम्बिनेशन से आया सर। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? चार्ज। तो यही वाला चार्जवा तुम्हारा हो जाएगा Q1, Q- और Q4। ये दोनों तो आंसर मिल गए एज इट इज थे, डैश को तोड़ना होता है, यू हैव टू ब्रेक द डैश, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। ओके, तो सी डैश के का जो चार्ज था वो क्यू डैश था। फिर मैंने कहा कि ये क्यू डैश जो है वो इसके लिए है, और ये आया कैसे? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से। पैरेलल कॉम्बिनेशन कहीं पर भी हो तो आपको इसी तरह से वोल्टेज निकालना है। कैसे निकाला? वी डैश इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी डैश, आया 100/9, यहाँ लिख दिया, लाइन वोल्टेज कहते हैं, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा मेथड। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया, मल्टीप्लाई करने पे ये रहा 200/9 एंड 200/9। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, अभी भी ना आया हो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, करते रहिए कमेंट में क्वेश्चन, एक्सप्लेन कर देंगे हम आपको। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा हमें पानी पीना होगा। ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, पहले आप सोचिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें पता चल रहा है या फिर नहीं। भाइयों बहनों, मैंने कहा क्या आपको, ये तो मोदी की आवाज़ है, मल्टी टैलेंटेड, ठीक है, क्या ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है? नहीं भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं होता, ये अगर ऐसे है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, बट अभी सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि इसके बीच में ये आ गया जंक्शन। फिर ये दोनों सीरीज है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी आ गया जंक्शन। क्या ये दोनों सीरीज है क्या? नहीं, बट ये दोनों हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन,
How can I say parallel combination? Simple दिख रहा है, ये प्लेट और ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट आपस में कनेक्ट है भाई, पैरेलल आप इसी को कहते हो, ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल ही हो गया, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें पहले पता चल चुका है, तो अब हम इसे रिड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं इसका रिजल्ट है सी डैश 2 and 1 3 माइक्रो फेराडे। रिड्रॉ द सर्किट C1, C2, oh, then we have C dash. All right. फिर ये बैटरी, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप यहाँ से निकाल सकते, यहाँ से नहीं निकालना भाई, ये पूरा यहाँ से यहाँ के बीच में, तो इसका रिजल्ट और ये रहा आपका बैटरी, और वो है 100 वोल्टेज की, ठीक है। अभी भी पता चल रहा है ये दोनों क्या हो गए, सीरीज। हाँ, अब यहाँ पे हम अम्मी जान वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला? 2 capacitors आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो वी कैन यूज़ अम्मी जान मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, दैट इज मा। सो C2 into C dash मल्टीप्लाई किया C2 into C dash, वेर इज C2? यस, C2 वी हैव 1 एंड C dash वी हैव 3, 1 + 3 = 3/4 माइक्रोफेराडे। देखो अब इसको मैं C double dash से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किससे? C double dash से, बिकॉज C dash ऑलरेडी यूज हो चुका है। वन मोर टाइम आई एम गोना रीड्रॉ द सर्किट C1, इन दोनों का रिजल्ट आया C double dash, देन वी हैव बैटरी। और अगर अभी भी आपको ना समझ में आए तो आप सब हो पागल, नहीं पागल नहीं, सब अच्छे हो। C1 और C double dash क्लियरली पता चल रहा है यार, अभी किस में हो गया? पैरेलल। और पैरेलल में क्या सेम होता है? तो पैरेलल में सेम होता है वोल्टेज। आंसर कैसे निकालते हैं इसका? डायरेक्ट प्लस से, लास्ट कैपेसिटर है सी इक्विवेलेंट, C1 की वैल्यू 1 एंड देन वी हैव C double dash, तो ये आ गया 3/4, 4 into 1 4 + 3 दैट इज 7/4 माइक्रो फेराडे। ये आया सी इक्विवेलेंट। यहाँ तक करने पे आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। चलिए तो अब मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, जगह की ज़रूरत है मुझे। अब मुझे सॉल्व करना चाहिए क्या भाइयों बहनों? देखिए सीक्वलेंट 7/4, सीक्वलेंट 7/4 क्या बोल रहा था अभी से पहले, मोदी की मिमिक्री छोड़ दीजिए उसे भी, 7/4 माइक्रोफेराडे सीक्वलेंट आ गया। नाउ वी विल गो फॉर दिस, दैट इज सप्लाई चार्ज। कैसे निकलता है सप्लाई चार्ज? ये ऐसे निकलता है सीवी से। सीक्वलेंट की वैल्यू 7/4, वोल्टेज वी हैव वोल्टेज 100, कटिंग 25 है, हाँ 175 सही है। अरे यार मैथ्स भी हमारा वीक होते जा रहा है। यस 175 माइक्रो कूलम, ये आया सप्लाई चार्ज। अब ये सप्लाई चार्ज किसका है? तो इसका है, सीक्वलेंट का। और ये सीक्वलेंट कैसे आया? पैरेलल कॉम्बिनेशन से। पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसीलिए इस पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। अगर आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो स्टूडेंट, तो इस वाले क्वेश्चन में जो लास्ट में हमारा क्यू सप्लाई आया हुआ था वो सीरीज कॉम्बिनेशन का था, तो मैंने इक्वली चार्ज दे दिया था। बट अभी नहीं दे सकते भाई, क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज ऑल दिस कैपेसिटर्स आर नॉट इन सीरीज, बट दीज कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मुझे वोल्टेज निकालना भी है, क्यू एस के सामने वोल्टेज ये रहा, इसको निकालूंगा भी तो क्यू एस अपॉन सीक्वलेंट करूंगा तो लास्ट में आएगा कितना? 100। अब आप बोलेंगे सर वहाँ डैश लेके बोला था, तो यहाँ पे क्यू एस है तो मैं वी लेके बोलूंगा। और इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ बीच में कहीं पे भी सीरीज में कैपेसिटर नहीं है। थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है स्टार्टिंग में, बट प्रैक्टिस से वो इम्प्रूव हो जाएगा। क्या इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं कैपेसिटर है? नहीं। तो इसका मतलब है ये लाइन और ये लाइन को वोल्टेज 100 ही मिल रहा है, तो ये 100 और यहाँ पर भी 100 लिख दिया मैंने। अब मुझे यहाँ दिख रहा है C1,
तो C1 के सामने मैं लिखूंगा Q1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दैट इज वोल्टेज एंड द C1 दैट इज 100 माइक्रो कूलम. नाउ इट इज अ वैल्यू ऑफ चार्ज. एक आंसर आ गया. अब इधर लिखा है C डबल डैश, आई विल राइट Q डबल डैश एंड द Q डबल डैश इज इक्वल टू 100 दैट इज योर वोल्टेज मल्टीप्लाई C डबल डैश. वेर इज C डबल डैश? दैट इज 3/4. कट किया 25 इंटू 375 माइक्रो कूलम, ये आया Q डबल डैश. बट ये आपका आंसर नहीं है, ये आंसर था. पहले भी कहा था डैश कभी भी आ जाए तो यू हैव टू ब्रेक द डैश, डैश को तोड़ना होता है. सोचो, डरना नहीं है. ये Q डबल डैश किसका हो सकता है? इसका हो सकता है. और ये किसका रिजल्ट है? इन दोनों के सीरीज का रिजल्ट है. वाह, सीरीज का रिजल्ट है ना, तो सीरीज में क्या सेम होता है? यस, चार्ज. इसका मतलब है कि C डबल डैश के लिए जो Q डबल डैश आया है यही इन दोनों को इक्वली मिलेगा, बिकॉज ये इसके सीरीज का रिजल्ट है. सो फॉर दैट C2 आई विल राइट Q2, सेम आंसर 75 माइक्रो कूलम. ब्रैकेट बना दिया, एक और आ गया. फिर यहाँ पे है C डैश, तो अब मैं लिखूंगा Q डैश, फिर से 75 माइक्रो कूलम. लुक एट द मेथड आई एम फॉलोइंग हियर. जहाँ जहाँ पे मिलते जा रहा था ब्रैकेट बना रहा हूँ, जहाँ पे नहीं अंडरलाइन किया. आपको भी यही करना चाहिए. Q डैश आ गया, फिर से तोड़ दो. Q डैश किसका रिजल्ट है? C डैश का. एंड C डैश इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. डियर स्टूडेंट, पैरेलल में चार्ज सेम नहीं होता. तो क्या सेम होता है? क्या बताया था आपको? वोल्टेज. चलिए, तो वोल्टेज सेम होता है, तो ये लाइन और ये लाइन पे वोल्टेज निकालना पड़ेगा. अब वो वोल्टेज 100 नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए डायरेक्ट नहीं मिल रहा ना उसको, तो वोल्टेज निकालना चाहिए. तो V डैश के सामने Q डैश के सामने V डैश, Q डैश अपॉन C डैश. नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ Q डैश, दैट इज 75. व्हाट अबाउट C डैश? ये रहा C डैश 3. कटिंग किया तो कितना आ गया? 25. ये आ गया 25 यहाँ पे भी, 25 यहाँ पे भी, है ना. अब मैं सीधा इसको इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा Q3. तो Q3 बराबर 25, क्योंकि Q बराबर होता है CV, 25 इंटू 2 दैट इज 50 माइक्रो कूलम. एंड नाउ आई हैव Q4, 25 इंटू 1 दैट इज 25 माइक्रो कूलम. सो ये रहा Q3 एंड हियर वी हैव Q4. तो देखिए, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया. मैंने शुरुआत वैसे ही किया है जैसे कि पहले किया था. ऑब्जर्व द सर्किट केयरफुली. पता चल रहा था ये दोनों पैरेलल है, सी डैश ले लिया. ये दोनों सीरीज हैं, इनको फिर से रिड्रॉ किया, ये रिजल्ट आया. इसका कॉम्बिनेशन सीक्वेलेंट. सप्लाई चार्ज निकाला. सप्लाई चार्ज निकालने का कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं हुआ, बट हमेशा फाइंड आउट करना. सप्लाई चार्ज इसका है, ये रिजल्ट है इन तीनों के, इन दोनों के पैरेलल का. पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है. ये वोल्टेज निकालोगे भी तो 100 ही आएगा. वी को सब्जेक्ट बनाओ. इसको इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इसको मल्टीप्लाई किया, ये फाइनल आंसर है. डबल डैश आया, तोड़ा. डबल डैश इन दोनों का सीरीज का है, तो ये देखो C2 और Q डैश मिल गए. इसको वापस तोड़ा, ये रिजल्ट है इसका. ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन का. पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और मैंने ये वोल्टेज निकाल लिया V डैश बराबर Q डैश अपॉन C डैश. और जब वोल्टेज मिल जाए तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को ला सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, चलिए सीखते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को. मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दो एग्जाम्पल मैंने लिया है एनसीईआरटी के बुक से, पेज नंबर 90 पे. ये है 2.25 एडिशनल एक्सरसाइज, और एक एग्जाम्पल है ऑन पेज नंबर 79, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 2.9 एनसीईआरटी एग्जाम्पल. बहुत बार आपके एनसीईआरटी के पेपर में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं. अभी पहले ही आपने दो क्वेश्चन देखा, शुरुआत जैसे किया था. आई हैव स्टार्टेड द सेम वे, आई एम गोना स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल. ऑलराइट, तो देखते हैं यहाँ पे. सबसे पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं C1, C2, C3 का. भाई साहब, लो बंद हो जाओ, कमाल, दरवाज़ा भी डराता है आजकल. ऑल दिस कैपेसिटर्स वैल्यू आर आइडेंटिकल, 10 माइक्रो फैराडे. द वोल्टेज व्हिच वी हैव टू यूज इज 500.
यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 का वोल्टेज है, 4 कैपेसिटर्स हैं पीको फेराडे के फॉर्म में। क्वेश्चन वही है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है और एज वेल एज आपको फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सी यहाँ पे पता चल रहा है हमें, आपको भी पता चलना चाहिए, ऑल दिस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सो सीरीज कॉम्बिनेशन मोर देन टू कैपेसिटर्स आर देयर, मोर देन टू कैपेसिटर्स आर देयर, वी कैन नॉट यूज मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, सो वी विल यूज अवर ट्रेडिशनल मैथड, वन अपॉन सी डैश, वन अपॉन टेन, वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन टेन, इट इज 3/10, सो सी डैश इज इक्वल टू 10/3। रीड्रॉ, डोंट फॉरगेट टू रीड्रॉ द सर्किट, एरर कम हो जाता है इससे। ये देखिए सी डैश और फिर यहाँ पे है C4, बैटरी अबाउट 500 वोल्टेज, ये था सी डैश 10/3, C4 10। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये दोनों किस में है, पैरेलल, पैरेलल में DP लास्ट है, तो सी इक्विवेलेंट। ऑलराइट, सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट प्लस 10 प्लस 10/3, 30 प्लस 10 40/3 माइक्रो फेराडे। ये यहाँ तक आपको आधा मार्क्स मिल गया सी इक्विवेलेंट। अब इसके आगे की प्रोसीजर, सप्लाई चार्ज निकाल लीजिए, ये है CV, सी इक्विवेलेंट है 40/3 एंड वी हैव वोल्टेज 500, सो इट इज 2000/3 माइक्रो कूलम। आप चाहो तो उस माइक्रो को हटा सकते हो, 10^-6 आपके टेक्स्ट बुक में, हाँ जी माइनस को अभी यहाँ पे, ये जो आंसर है 40/3 इसको डिवाइड कर देंगे तो 13.33 डेसिमल में आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है। ये सप्लाई चार्ज मैंने निकाल लिया। अब सप्लाई चार्ज के बाद हम क्या करते थे, तो सप्लाई चार्ज के बाद हमें ये सोचना होता है कि सप्लाई चार्ज कैसे आया, किस कैपेसिटर का है। तो ये सप्लाई चार्ज सी इक्विवेलेंट का है और ये सी इक्विवेलेंट लास्ट में देखने पे पता चलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। एंड आई टेल यू, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज सेम होता है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले भी आया था, कोई और कैपेसिटर नहीं होने की वजह से 500 यहाँ भी और 500 यहाँ भी, ना समझ पड़े। तो यही वोल्टेज को यार सब्जेक्ट बनाओगे, QS अपॉन C इक्विवेलेंट लिखोगे तो यही आने वाला है ना, सॉरी वोल्टेज 500 ही आएगा। ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर मैंने आपको क्या सिखाया है, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करो। जैसे ये C4 है तो इसका चार्ज हो गया Q4, 500 इंटू 10, सो 500 इंटू 10 दैट इज 5×10^3 माइक्रो 10^-6, सो 5×10^-3 कूलम। यस, 5×10^-3 कूलम आपके टेक्स्ट बुक में अजीब तरह से है, बट ये पैटर्न याद रखेंगे आप, आपको इजी रहेगा, आसानी रहेगी। तो ये मिल गया इसके ऊपर, इसलिए मैंने ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। फिर सी डैश के लिए जो चार्ज होगा वो होगा क्यू डैश, और वो क्यू डैश इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो 500 इंटू 10/3 ये आया 5000/3 इंटू माइक्रो चेंज करना है तो आप कर सकते हैं 10^-6, तो 5/3 इंटू 10^-3 ये है क्यू डैश, या डेसिमल में आप ला सकते हैं। अब क्यू डैश आपका आंसर नहीं है, बट ये क्यू डैश किसका रिजल्ट है, सो क्यू डैश इज द रिजल्ट ऑफ सी डैश एंड सी डैश इज द रिजल्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड वी नो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, यस चार्ज। इसका मतलब है कि ये जो क्यू डैश है ये सीरीज में आया तो Q1, Q2 और Q3 सभी को इक्वली मिलेगा और आपका आंसर है 5/3 10^-3 कूलम। यस, 5/3 करने जाएंगे तो 1.7×10^-3 लीजिए, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बिना हेजिटेट हुए क्वेश्चन करना कमेंट में, और आपको मैंने इंस्टा और फेसबुक के आईडी सारे वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, बातें कर सकते हो। तो रेगुलर अभी मैं सोच भी रहा हूँ हर वीडियो के बाद ऑनलाइन आकर के आपसे डिस्कस भी करूँगा। चलिए अब यहाँ पर सोचते हैं, हमें यहाँ पर पता चल रहा है और आपको भी पता चलना चाहिए, दिस टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ओनली टू कैपेसिटर्स आर देयर, सो वी कैन यूज़ मम्मी मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन ओनली फॉर टू कैपेसिटर, सो इट इज़ 200 इंटू 200 अपॉन 400, सो 100 पीको फेराडे इज द वैल्यू ऑफ सी डैश। नाउ आई एम गोना रीड्रो द सर्किट, सो C1, चलो पहले इसका नाम दे देते हैं, ये C1 है, C2, C3 एंड C4, सो नाउ वी हैव C1 कॉम्बिनेशन सी डैश एंड देन वी हैव C4 एंड देन वी हैव अ बैटरी दैट इज 300 वोल्टेज। ओके, नाउ दिस टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी सर ये भी तो है पैरेलल में, नहीं बीच में बैटरी आ गया। पैरेलल का डायग्राम ऐसा होना चाहिए, बैटरी नीचे होती है, ये बैटरी अगर यहाँ होता तो ये तीनों पैरेलल हो जाते, ठीक है, लेकिन अगर बैटरी यहाँ पे है तो अभी सिर्फ ये दोनों ही पैरेलल है। तो चलो अब हम इसका रिजल्ट मान लेते हैं कि ये C" है, और C" यहाँ पे हम यूज़ करेंगे DP डायरेक्ट प्लस, तो डायरेक्ट प्लस का रिजल्ट C1 एंड C-, C1 की वैल्यू है 100, C- अभी फाइंड आउट किया 100, ये रिजल्ट आ गया 200 पीको फेराडे, अपने नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा ये C" है। वन मोर टाइम रीड्रॉ द सर्किट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है C" C4 एंड वी हैव अ बैटरी ऑफ 300 वोल्टेज। ऑलराइट, तो C" और C4 अब ये पैरेलल नहीं है स्टूडेंट्स, ये 100% किस पे है, तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन बिकॉज ओनली टू कैपेसिटर्स आर देयर, और यहाँ से देख सकते हैं ये सिंगल वे है, मल्टी वे नहीं है, सिंगल वे है, इसीलिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम दो कैपेसिटर के लिए यूज़ करेंगे, लास्ट है इसलिए सी इक्विवेलेंट एंड वी विल यूज़ M/A दैट इज़ मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, C" का रिजल्ट था 200 एंड वी हैव C4 दैट इज़ 100 अपॉन 300, सो इट इज़ 200/3 पीको फेराडे, जैसा यूनिट उसी के फॉर्म में आंसर देना है आपको। तो चलिए यहाँ तक आ गया हमारा, हाफ मार्क्स मिलेगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। ऑल राइट, सो आफ्टर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट वी शुड फाइंड सप्लाई चार्ज दैट इज CV, सी इक्विवेलेंट इज 200/3 इंटू वोल्टेज, वी हैव अ वोल्टेज, वेयर इज द वोल्टेज 300 वोल्टेज, एंड इफ यू विश टू रिमूव दैट पीको मीन्स 10^-12, सो इट इज 2 × 4 − 12, इट इज 10^-8, सो इट इज़ क्यू सप्लाई डियर स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ कूलम्ब। आप सोचो ये सप्लाई कैसे आया, तो सीरीज के कॉम्बिनेशन से आया, एंड सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज, तो यही वाला चार्ज इन दोनों को मिलेगा, तो C4 के लिए हम लिखेंगे Q4 और ये आया 2 × 10^-8 कूलम्ब, ये आपका आंसर है, और C4 के बाद इस पर जब आएगा देन वी विल राइट Q" एंड Q" इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 × 10^-8, जैसा कि आप पिछले तीन न्यूमेरिकल से देखते आ रहे हो कि मैं डैश को हमेशा अंडरलाइन करता हूँ और फिर इसके बारे में सोचता हूँ। Q" किसका रिजल्ट है, C" का, कैसे आया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से आया, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं हर बार क्या करता हूँ, तो ये लाइन खींच करके इस लाइन का वोल्टेज फाइंड आउट करता हूँ। चलिए अब हम इसका वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, ये वोल्टेज कैसे निकलेगा, तो ठीक इसी के सामने ये फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, Q" 2 × 10^-8 एंड व्हाट अबाउट C" वी हैव C"
यस 200 पी को 10^-12, तो मैं उसको ऊपर भेज देता हूँ, ये हो गया 100, 12-8, 4-2, यस 100 वोल्टेज। तो यहाँ पे लिखना है 100 और यहाँ पे भी 100। अच्छा, हर बार आप देख रहे हैं कि लाइन के बाद मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इनके चार्जेस इजीली हमें अवेलेबल हो जाते हैं। तो C1 इसको मल्टीप्लाई किया तो अब ये मिला Q1, 100 इंटू C1, 100 पीको है, पीको का मतलब 10^-12 लेके चलेंगे तो 10^-8 कूलम। देखिए अब मैं इसे ब्रैकेट में लूँगा बिकॉज ये मेरा फाइनल आंसर है। तो Q1 मिल गया, अब इसके ऊपर आऊँगा C' तो इसका चार्ज हुआ Q', इन दोनों को मल्टीप्लाई 100। व्हाट अबाउट C', C' इज 100, पीको 10^-12, अगेन आई एम गेटिंग 10^-8 कूलम, बट ये Q' है तो अंडरलाइन किया। अब सोचूंगा, आपको भी सोचना है Q' किसका रिजल्ट है, सो Q' इज अ रिजल्ट ऑफ C' एंड C' इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू कैपेसिटर्स एंड वी नो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, तो यही वाला चार्ज 10^-8 कूलम इन दोनों को इक्वली मिल जाएगा। तो Q2 की भी वैल्यू 10^-8 और Q3 की भी वैल्यू है 10^-8, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये था NCERT के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस कैपेसिटर पे हैं, बट पहले आपको ये सीखना चाहिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स एवरी टाइम पेपर में आते ही हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अब अगर वीडियो को लाइक कर ही लिया है तो थोड़ा सा हमारा भी हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, बिकॉज टारगेट ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे और सभी को हेल्प मिले। विल सी द नेक्स्ट टॉपिक सून, इन द नेक्स्ट टॉपिक। आई थिंक ये आपका NCERT का तो हो चुका है, वन द ग्राफ जनरेटर। ऑल राइट, चलिए वन द ग्राफ जनरेटर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और जाने से पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत 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 दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, लास्ट टाइम पे भी ऑनलाइन आया था, आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक मिला, आप लोगों की दुआएं बहुत काम करती हैं, प्लीज़ अपनी दुआओं को ऐसे ही मेंटेन रखिए। ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोगों का बहुत 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 फिजिक्स अच्छा होता चला जाए और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, दुआ करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस। हाँ, मैंने शुरू में ही जिक्र किया था कुछ स्टूडेंट्स के बारे में जो लगातार टच में हैं, हर्षित अग्रवाल अभी बहुत ही ज़्यादा टच में हो चुका है, एक प्यारे से भाई की तरह बिहेव करता है, उसका एग्ज़ाम्स हो गया NCERT का अभी। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अननोन रिश्ते अननोन रिलेशनशिप बनते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का प्यार मिलता जा रहा है, ज़रूर आप लोगों की सिटी में एक दिन मैं आऊँगा। ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोगों का फिजिक्स बहुत 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 आसान हो जाए। हमेशा टच में रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। मिलते हैं माही से याद आया, CSK के लिए ज़रूर सपोर्ट करिए, चेन्नई सुपर किंग। थैंक यू सो मच।